हेलो सत श्रीकाल गाइस, की हाल चाल है सारे का। आई होप तुम सारे वधिया हो गए, मैं ही वधिया है। सो वेलकम बैक टू द चैनल मनमीत व्लॉग। स्वागत है थोड़ा इस व्लॉग के। सो न्यू डे न्यू व्लॉग एंड आज हम जा रहे हैं एक रोड ट्रिप पे। सो रोड ट्रिप तो नहीं, ट्रिप तो नहीं गए क्योंकि क्योंकि हमने एक ही दिन में अप डाउन करना है। सो कहाँ जा रहे हैं और कौन कौन जा रहा है साथ में, वो सारी बातें करेंगे हम गाड़ी में बैठ के। तो ऑलरेडी हम हो चुके हैं लेट, सो चलते हैं फटाफट एंड इस व्लॉग में आने वाला फुल मज़ा। सो गाइस अभी कुछ ऐसी धूप लग रही है, ब्लैक टर्बन विद मस्टर्ड येलो टी शर्ट ब्लू पजामा एंड माय न्यू स्नीकर। सो कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। सो गाइस निकल चुके हैं हम अपनी रूट ट्रिप के लिए और ऑलमोस्ट हमें निकले हुए हो चुके हैं, 1 और 1.5 आवर हो चुके हैं हमें निकले हुए। और अभी तक हम मेन हाईवे पे नहीं पहुंचे क्योंकि अंदर अंदर से रास्ता है सिंगू बॉर्डर की वहाँ से। सो अभी तक हम मेन हाईवे पे नहीं पहुंचे और अंदर से रास्ता है बहुत ज़्यादा ख़राब और हम लेट ऑलरेडी हो चुके हैं। सो अब चलते हैं आगे एंड आपको आगे अपडेट देते हैं। सो गाइस अभी हम रुके थे गन्ने का जूस पीने के लिए क्योंकि गर्मी में होता है यार वो बहुत ही बढ़िया। सो अभी हम वही पी रहे हैं गन्ने का जूस। सो अंदर भी गर्मी नहीं लगती, सो पीते हैं एंड एंजॉय करते हैं। सो अभी तक रूट में मतलब इतना मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि सिंगू बॉर्डर से अंदर अंदर से आ रहे हैं। सो रास्ता तो थोड़ा बहुत ख़राब ही है अंदर अंदर से, आपको पता ही है फार्म के अंदर से आना आना, तो रास्ता तो ऐसे ही है। अभी तक हम मेन हाईवे पे भी नहीं पहुंचे एंड हमें हो चुका है 1 घंटा हो चुका है हमें निकले हुए घर से और अभी तक हम मेन हाईवे पे नहीं पहुंचे। सो अभी तक तो ऐसे ही है, बाकी आपको आगे अपडेट करते हैं। तो गाइस आ गए अपना गन्ने का जूस एंड मैं तो बड़ा मज़ा आने वाला है पीने में, बहुत चिल्ड है। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हाईवे पे 2 घंटे के बाद और इतना अंदर जाम था और बेकार रास्ता था और अब हम पहुंच गए हाईवे पे और अभी अपा कर रहे हैं ड्राइव, मम्मा बैठी पीछे और दीदी नहीं आई क्योंकि दीदी का मंडे होता है ऑफिस। सो दीदी कहती मेरे को रेस्ट नहीं मिलेगा इसलिए दीदी नहीं आई। और मैंने बताया नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं पटियाला और वहाँ कहाँ जा रहे हैं वो आपको वहीं पहुँच के बताएंगे क्योंकि उसके पीछे भी एक स्टोरी है। सो आपको वहीं बताएंगे जाके। सो गाइज फाइनली हमने फर्स्ट स्टॉप ले लिया है जो कि है जिलमिल ढाबा एंड हमने अराउंड अराउंड कर लिए होंगे 200 किलोमीटर्स। सो फर्स्ट स्टॉप लिया है, हमने सोचा अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सो अब चाय पराठा, चलो आपको भी दिखाते हैं। एंड आफ्टर सिंगू बॉर्डर तो रोड काफ़ी बढ़िया बन गया, हाईवे काफ़ी बढ़िया बन गया एंड पापा ने फटाफट स्पीड खींची और हम पहुँच गए हैं एंड अब मैं चलाऊँगा गाड़ी इसके बाद। सो पहले करते हैं चलो ब्रेकफास्ट। सो गाइज डन विद द ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकफास्ट कर लिया हम जिलमिल ढाबा में, लेकिन हमने ऑर्डर किया था आलू का परांठा एंड चाय और दोनों चीज़ें स्वाद नहीं आई। आलू का परांठा भी ऐसी था और चाय भी मतलब ऐसी थी, स्वाद नहीं आई क्योंकि वहाँ थे 3 जिलमिल ढाबा और वो भी लाइन से। तो हमें बाद में हमने देखा दैट हम गए थे फर्स्ट वेल में, तो हमें जो लगा कि ओरिजिनल वाला जो है वो था सेकेंड नंबर वाला जिलमिल ढाबा। बाकी कोई नहीं, हम हो गया है ब्रेकफास्ट डन एंड यार हाईवे काफ़ी बढ़िया बन गया है मतलब आफ्टर सिंगू बॉर्डर हाईवे। अब चलते हैं आगे करते हैं अपनी कंटिन्यू जर्नी को। सो चलो आपको इसके बाद दिखाते हैं। सो सीधा मिलेंगे आपको दुख निवारण साहब गुरुद्वारा, दुख निवारण साहब पटियाला, ठीक है वहीं जाके आपको सीधा मिलते हैं। तो
गाइस पहुंच गए यहाँ पर गुरुद्वारा दुख निवारण साहब जो कि है पटियाला में। सो जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ की स्टोरी क्या है। मैं अराउंड 3-4 ईयर्स से यहाँ आने की सोचा था दैट आएंगे मत्था टेकेंगे एंड फाइनली अब आए हैं हम यहाँ पे। सो अब यहाँ के दर्शन कराएंगे आपको अगले व्लॉग में। सो यहाँ तक अगर व्लॉग देखा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सो आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एंड नेक्स्ट व्लॉग में आपको करवाएंगे गुरुद्वारा साहब के दर्शन। सो इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग को यही एंड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।